पुणे में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विवादित बयान देते हुए कहा कि भारत में रहने के लिए भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा। भारत में सिर्फ अब वही लोग रहेंगे जो भारत माता की जय कहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने नागरिकता कानून पर बोलते हुए कहा कि कैसी दिन के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, ताकि 70 साल बाद भी देश इस विषय पर विचार करेगा कि नागरिकता गिने या नहीं। तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एबीवीपी के कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, यहां पर मंच से उन्होंने कहा कि भारत में जय माता दी। क्या भगत सिंह की बलिदान बेकार जाएगी? क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बलिदान बेकार जाएगी? क्या इस देश की करोड़ों असंख्य जनता जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई किए थे इसीलिए कि आजादी के 70 साल के बाद इस देश इस विषय पर विचार करेगा कि नागरिकता के बारे में हम गिने कि ना गिने? क्या इस देश को हम धर्मशाला बनाएंगे? क्या इस देश को जो है तो ऐसे रह पाएगा? इस विषय पर आज चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा, इस विचार को स्पष्ट करना पड़ेगा।